जी नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर उदय, महासचिव जिला कांगड़ा इकाई हिमाचल चिकित्सक संघ। जी, जो हमारी हम जो अभी स्ट्राइक पिछले शुक्रवार से कर रहे हैं, जिसमें हमने एक दिन काले बिल्ले लगाकर काम किया और आज से हम लोग 9:30 से लेकर 11 बजे तक जो हम पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी यही वजह है कि 24 मई को जो हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी कि NPA सरकार ने उसे बंद कर दिया था, तो उसी के विरोध में ये स्ट्राइक की जा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जनहित में जारी किया गया निर्णय नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये जो NPA भत्ता है, जो ये हमें डॉक्टरों को इसलिए दिया जाता था क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है MBBS का, वो तकरीबन 5.5 से 6 साल का एक लंबा कोर्स होता है, जिसमें हमारी जो सरकारी नौकरी है वो काफ़ी लेट लगती है, तो उसको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। तो अगर इसको काट दिया जाएगा तो हमारे जो नए आने वाले डॉक्टर, उनका मनोबल को तो ठेस पहुँचेगी, बल्कि उनका जो रुझान है वो प्राइवेट प्रैक्टिस की और बढ़ेगा, ब्रेन ड्रेन होगा, तो जिसके फलस्वरूप जो हमारी आवाम है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी यहाँ की हिमाचल की आवाम है, केरला के बाद हम दूसरे पायदान पर आते हैं जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, तो 80 से 90% जनता जो सरकारी सुविधाओं पर निर्भर है, तो तक बहुत दिक्कत होने वाली है। जी हाँ, हम फिलहाल जो हमारी राज्य स्तरीय कार्यकारिणी है उसके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। हमें शुक्रवार शनिवार का निर्देश था कि काले बिल्ले लगाकर काम करना है, पर अंततः हमें कोई निर्णय नहीं मिल पाया, तो हमने आज से 9:30 से लेकर 11 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक का आयोजन किया है। और अगर राज्य स्तरीय कार्यकारिणी निर्णय लेती है और ऊपर से दिशा निर्देश आते हैं, तो हम एक मास कैजुअल लीव जो कि 14 दिन का नोटिस देकर ली जाएगी, उसके लिए भी तैयार है। जी बिल्कुल, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कल परसों हमारा जो 6 ट्रेनिंग सेंटर है, कल उन शाम को वहाँ पर उनसे वार्तालाप हुआ है, और हेल्थ मिनिस्टर जी माननीय श्री कर्नल शांडली जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस निर्णय का वो भी विरोध करते हैं और जो भी हमारे हित में होगा वो हमें पूरी मदद करेंगे। जी सर, मेरा नाम नसीब ठाकुर है, मैं धर्मशाला के नीचे गाँव में घरों वहाँ से आया हूँ। सर, हमें तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम तो सुबह से आए यहाँ पे 8:30 बजे के आए हुए हैं ताकि जल्दी लाइन में लग के हमारा नंबर लग जाए, हम भी अपने काम पे निकले। तो मुझे अपनी मदर की डायबिटीज़ की जो दवाई है वो रिपीट करवानी थी, तो जैसे यहाँ पे पहुँचे बहुत सारी भीड़ थी और डॉक्टरों का समूह भी बाहर खड़ा था, हमें पता नहीं था क्या था। एक दो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने पूछा कि कोई हमारी स्ट्राइक है, बट इतना ज़्यादा पता नहीं लगा स्ट्राइक किस चीज़ की है। बट जैसे ही बाहर आए, जैसे मीडिया पहुँचे, तो हमें पता लगे कि NPA की स्ट्राइक है। तो अब हम इस चीज़ में ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक तो इनकी NPA की है, बट जो लोग हैं बेचारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, बहुत बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, इतनी धूप लग रही है, तो कुछ लोग खाली पेट भी आए हुए दवाइयों के लिए, तो सबको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस केस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा डॉक्टरों को भी समझना चाहिए, क्योंकि मरीज बहुत दूरों से आए हुए हैं और बेचारे खाली पेट बैठे हुए हैं, कुछ दवाई के लिए आए हैं तो कुछ चेकअप के लिए आए हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि 11 बजे तक चलेगी और जब तक ये इनकी सुनवाई नहीं होती है तो तब तक ये कंटिन्यूटी में रहेगी। बाकी जो कैजुअलिटी की सर्विस है वो तो इनकी चल रही है, बट ये अपना बता रहे हैं कि जो OPD में डॉक्टर्स बैठते हैं वो सुबह 9:30 to 11 कंटिन्यूटी में रहेगी जब तक सरकार इनकी सुनवाई नहीं करेगी। तो मेरा सरकार से भी आग्रह है कि वो भी जल्दी से जल्दी इनकी सुनवाई करे, और डॉक्टरों से भी आग्रह है कि वो इस स्ट्राइक को ख़त्म करके मरीजों को देखने की कोशिश करें, क्योंकि सब परेशान हो रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम नीलम है और मैं चढ़ी से अपनी मम्मी को लेके आई थी यहाँ पे हॉस्पिटल में, उनका एक टेस्ट वगैरह करवाने थे। हम जबकि देखा कि OPD में डॉक्टर से लिखवाना था, तो OPD में डॉक्टर है नहीं, बाहर आके देखा तो डॉक्टर सारे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं 2 घंटे के लिए, हमें परेशानी झेलनी पड़ी। तो बस ये टेस्ट वगैरह अगर वो लिख देते तो हमारे होते, और सरकार को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी से जल्दी इनकी मांगे सुन लें, क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। काफ़ी लोग जो है, मैं अपनी ही बात नहीं करूँगी, और भी काफ़ी लोग हैं जो सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ खाली पेट बैठे हुए हैं, और जिनके मतलब बेचारे वो इतनी दूर दूर से भी आए हुए हैं, कुछ लोग तो कितनी दूर से आए हुए हैं और सुबह की बस लेके 8:00, 7:00, 7:00 बजे के आए हुए हैं, जब पता चला कि यहाँ पे 11 बजे तक स्ट्राइक है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है उन सब लोगों को। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।